हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं स्पेशल काजू पनीर की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, पनीर के कुछ टुकड़े, लहसुन, हरा मिर्च और अदरक। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। हमने इसको ग्राइंड कर लिया है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये ग्राइंड हो गया है, इतना ही रखना है इसे। अब हम गैस स्टार्ट करेंगे और चढ़ाएंगे एक पैन। इसमें डालेंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल से सब्जी अच्छी होती है। पनीर को हम फ्राई कर लेंगे। पनीर को हमने स्क्वायर में काटा है, आप कोई भी शेप में काट सकते हैं। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है और इस तरीके से इसे हम पलट देंगे। हम बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, नहीं तो बहुत कड़क हो जाएगा। इसे सॉफ्ट ही रखना है। ये फ्राई हो गया है, अब इसे निकाल लेंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेंगे। गैस का फ्लेम हमने डिम कर दिया है अभी। ये देखिए, ये गोल्डन फ्राई हुआ है, ज़्यादा डार्क नहीं हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ शिमला मिर्च और कटा हुआ प्याज। प्याज को हमने काटा है ना, तो उसका एक एक पार्ट अलग अलग कर दिया है और बड़े पीसेस में काटे हैं। शिमला मिर्च भी बड़े पीसेस में ही काटना है, इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हाफ फ्राई करना है। और ये फ्राई हो गया है, इसे भी निकाल लेंगे। अब इसमें थोड़ा और तेल डाल देते हैं और एक चम्मच हींग डालेंगे, छोटा वाला चम्मच है बिल्कुल, आप देख सकते हैं। उसके बाद दो तेज़पत्ता डालेंगे, दो कश्मीरी मिर्च डालेंगे, इसे तोड़ लेंगे, और एक चम्मच जीरा डालेंगे, इसे चला लेंगे एक बार। इसके बाद जो हमने ग्राइंड किया है वेजिटेबल्स, उसे डाल देते हैं। इस तरीके से हम इसे चम्मच से निकाल लेंगे और थोड़ा रह जाता है तो हम इसमें थोड़ा पानी डाल के मिला लेंगे और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे चला के। हमने गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है क्योंकि हमें मसाले मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मसाले हमने एक चम्मच धनिया पाउडर लिया है, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच शाही पनीर मसाला। आप कोई भी पनीर मसाला डाल सकते हैं। उसके बाद हम डालेंगे नमक, ये एक चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है, आप अपने हिसाब से डालिएगा। अब इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं ताकि मसाला अच्छे से फ्राई हो जाए। अब इसे अच्छे से चला के मिला लेना है इस तरीके से, और 1-2 मिनट के लिए पकने देना है। यहाँ पे देखिए कि मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसे एक बार चला के मिला देते हैं। उसके बाद इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। पानी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मिला लेंगे इस तरीके से और एक बॉयल आने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ पनीर। उसके साथ ही हम डाल देंगे काजू। काजू को हमने 2 टुकड़ों में कर लिया है। अब इसे भी मिला देते हैं और 2 मिनट के लिए पकने देना है। एक बॉयल फिर से आने देना है। उसके बाद फ्राई किया हुआ जो कश्मीरी मिर्च और प्याज था ना, उसे भी हम डाल देंगे। इसे भी चला के मिला लेंगे। इसके बाद डालेंगे कसूरी मेथी। अगर नहीं है तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा आएगा। इसे थोड़ा हाथ पे मल के ही डालना है, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। अब हम लास्ट में डालेंगे कटा हुआ हरा मिर्च, ये स्पाइसी के लिए है, आप स्किप भी कर सकते हैं। इसलिए हमने लास्ट में डाला है ताकि जिसको नहीं खाना है वो निकाल भी सकता है। अभी सब्जी हमारी बन गई है, हमने गैस को बंद कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जी का कलर भी बहुत अच्छा आया है। आप चाहें तो ग्रेवी थोड़ा पतला भी कर सकते हैं, अगर चावल से खाना है तो। हमने रोटी के हिसाब से बनाया है तो ठीक है। आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनेगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू।